कार और टेम्पो की भिड़ंत में कई लोग घायल। मथुरा के थाना छाता के अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 पर स्थित एक्सेल कॉलेज के सामने वैगनार गाड़ी और टेम्पो की भिड़ंत हो गई, जिसमें टेम्पो में सवार 7 व्यक्ति घायल हो गए, जिसमें 3 महिलाएं और 4 पुरुष बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी लोग गांव कुशक बड़ौली हरियाणा के गांव जमालपुर आए हुए थे। गांव जमालपुर से लौटते समय छाता साइड से वैगनार गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और टेम्पो मथुरा की तरफ से लौट रहा था, तभी दोनों वाहनों की भिड़ंत हो गई। टेम्पो में सवार लोगों को चोटें आई हैं। उस टक्कर से कार पास के खेत में जाकर गिर गई और मौका पाकर कार सवार फरार हो गया। हादसे को देख आसपास के लोग वहां जमा हो गए और घायल लोगों को एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल भेजा गया। कहां के रहने वाले हो? जमालपुर से। अच्छा, टेम्पो में सवार थी आपके रिश्तेदार? जी हाँ। तो ये मामला क्या रहा, कैसे कैसे था? हमारा एक मौसी का लड़का 26 तारीख को एक्सपायर हुआ था, जवान, जिसके 4 बच्चे थे। उनकी गमी में वो कभी निकली है, गांव कुशक बड़ौली फरीदाबाद पलवल से आए थे, गमी में वो कभी निकली थे, वो यहाँ से जा रहे थे तभी ये घटना हुई। तो कितने लोग थे इसमें? उसमें 3 जेंट्स हैं और 5-7 जनानी थी। अच्छा, कितने लोगों को चोट है? अब ये तो मुझे, मैं गांव से आ रहा हूँ, मुझे मालूम पड़ी है, मैं जाकर देखता हूँ, उसके बाद पता चलेगा। कहाँ पे रेफर कर दिए है जी? कहाँ पे भेज दिए हैं? रेफर किए हैं? रेफर वो बता रहे हैं कि शेरगढ़ रोड छाता पे सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती है। तो कितने बजे घटना रही है? अगर ये अभी 1.5 घंटा पहले की बात है, करीब 1 घंटा पहले की बात है। कहाँ के रहने वाले हो? सैमरी। सैमरी के। अच्छा, ये घटना यहाँ पे हुई है नेक्स्ट पे, ये एक्सेल कॉलेज के पास, क्या घटना है? ये घटना ये है सर कि ये वैगनार गाड़ी जो रॉन्ग साइड आ रही थी, टेम्पो मथुरा साइड से आ रहा था, तो मैं कुछ पीछे से आ रहा था तो सामने से स्टक्कर हुआ। अच्छा, सामने से एक्सीडेंट हुआ जी। तो इसमें कितने लोग थे टेम्पो में? टेम्पो में 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे जी। और गाड़ी में कितने लोग थे? गाड़ी में एक था। एक था जी। तो कितने लोग चुटेल हैं इसमें? इसमें करीबन 4-5 लोग चुटेल हैं। 4-5 लोग चुटेल हैं जी। तो ये कहाँ पे रेफर कर दिए, ये आपको पता है? ये सर कुछ केडीएम चले गए, कुछ सरकारी हॉस्पिटल छाता चले गए। अच्छा, गलती किसकी थी इसमें? गलती गाड़ी वाली जो रॉन्ग साइड आ रहा था जी। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने निरीक्षण कर फरार कार सवार की तलाश में जुट गई है। जांच अधिकारी राजवीर सिंह ने कहा कि वैगनार गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी और टेम्पो मथुरा की तरफ से। गाड़ी में एक शख्स था और टेम्पो में करीब 1 दर्जन लोग सवार थे। ऐसा था, ये वैगनार गाड़ी राजस्थान नंबर ये रॉन्ग साइड से आ रही है और ऑटो से इसकी टक्कर हो गई, जिसमें 5-7 आदमी घायल हो गए, एक ज्यादा क्षतिग्रस्त है, उसको केडी के मेडिकल में भर्ती करवा दिया गया। टोटल कितने लोग थे जिनके चोट आई है? कम से कम 6-7 आदमी है। कहाँ के रहने वाले थे ये? ये तो कोई जानकारी नहीं है। अच्छा, कितने लेडीज कितने जेंट्स हैं इसमें, कितने बच्चे हैं, क्या है? 2 लेडीज हैं, 5 जेंट्स हैं। तो बच्चे हैं इसमें के? बच्चे नहीं है। घायल लोगों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है और कुछ लोगों को निजी अस्पताल भेजा गया है।